हेलो फ्रेंड्स, मैं विनी आप सभी का विशूस किचन में स्वागत करती हूँ। अक्सर हमारे घर पर बने हुए चावल बच जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बचे चावल से बने दही बड़े की रेसिपी। और इस एक रेसिपी में आप दो चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, वो दूसरी कौन सी है चलिए मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में छोटा सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, और इसे भिगोना है हमें। तो उसके लिए पानी सिर्फ इतना इस्तेमाल करेंगे कि ये भीग जाए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का हमें ज़रूरत नहीं। और बस इसको हमें सोक करने के लिए रख देना है साइड में, तब तक हम कर लेते हैं और चीज़ों की तैयारी। अब हम एक जार में ले लेंगे एक कप चावल, ये रात के बचे हुए चावल हैं, आप चाहें तो इनकी जगह ताज़े चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, थोड़ी सी अदरक, और अब हम डाल देंगे इसमें एक हरी मिर्च, और इनको हमें पीस लेना है। इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट वैसा ही रहेगा जैसा हम नॉर्मल दही वड़े के लिए दाल का पेस्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पेस्ट इसका बनकर तैयार हुआ है। अब इस पेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बोल में, और जो सूजी हमने स्टार्टिंग में भिगोई थी वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। सूजी और चावल के मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम मिलाते हैं इसमें कुछ और इंग्रीडियंट्स। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, एक चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने किसी चम्मच या और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, आप इसको ऐसे ही हाथ से ही अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें इनो। इनो अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें खाने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा, मिक्स करने के बाद में इसे रखना नहीं है। मैंने तेल पहले ही गर्म करने को रख दिया था, तो बस तेल गर्म था, और उसमें इस तरीके से हमें ये वड़े चुआ देने हैं। अगर आपको ऐसे वड़े बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चम्मच से भी इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालते जाइए और बना सकते हैं। ऐसे तो ये पेस्ट इतना परफेक्ट बनकर तैयार होगा कि आप ऐसे भी इन वड़ों को बना सकते हैं। जब ये वड़े अपने आप ऊपर आ जाए तब उसके बाद हम इनको चलाएंगे, उसके पहले इसे हमें नहीं छूना है। जब तक ये वड़े बन रहे हैं हम कर लेते हैं थोड़ा सा पानी भी गरम। गरम पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, बस थोड़ा सा ही गरम पानी करना है। अब डाल देंगे हम उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ पर पानी हमने इसलिए लिया है ताकि ये जो वड़े हैं वो हम इनमें सोक करेंगे। आप देख सकते हैं वड़े भी अच्छे से लाल हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा लाल इन वड़ों को हमें नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से टाइट हो जाएंगे। और अब हमें इन्हें उस गर्म पानी में डाल देना है और इसको सोक करने के लिए रख देना है करीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक वड़े सोक हो रहे हैं हम चलते हैं और दही की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दही और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिया है, और उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसा फेंटेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना रह जाएँ। 10 मिनट हो गए वड़ों को भी सोक होते हुए, तो बस इन्हें हमें ले लेना है और इनका सारा पानी हमें निकाल देना है दबाते हुए। इसी तरीके से सारे वड़े निकाल लेंगे जिस भी प्लेट में आपको सर्व करना है। उसमें सबसे पहले लेयर लगाएंगे दही की, और अब उसके ऊपर डालेंगे ये खट्टी मीठी इमली की चटनी और थोड़ी सी हरी चटनी। इसके आगे की क्लिप मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई थी, सॉरी गाइज, उसके लिए बस उस पर मैंने थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और काला नमक डाला था बस, और उसके बाद इसको सर्व कर दिया था। और जो दूसरी चीज़ थी जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी वो है ये सूखे वड़े। आप चाहे तो इनको सूखे वड़े, पकौड़े, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो